अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां गुंडे एक बार फिर बेखौफ हो गए हैं। एक दिन पहले ही गुंडे जुबैर मौलाना का सड़कों पर स्टंट करते वीडियो सामने आया। उसके बाद गैंगस्टर मुख्तार मलिक का जेल से रिहा होने पर शानदार स्वागत किया गया। पिपलानी इलाके में बीटेक स्टूडेंट को कार से अगवा कर हमले के आरोप में गिरफ्तार गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक जेल से रिहा हो गया। उसकी शनिवार देर शाम रिहाई हुई। जेल से घर तक लाने के लिए पिता के गुर्गे खुली जीप लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे। आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित BRTS डेडिकेटेड लेन से काफिला गुजरा। इस दौरान रास्ते में काफिला रोककर सड़क पर ही आतिशबाजी की गई। वाहन चालक डरे सहमे रहे। घर पहुंचने पर भी आतिशबाजी की गई। वरिष्ठ वकील राम मिलन पटेल बताते हैं कि यह जमानत शर्तों का उल्लंघन है, पुलिस इसे संज्ञान लेकर केस दर्ज करा सकती है, कोर्ट से जमानत कैंसिल करने का आवेदन कर सकती है। बता दें कि गैंगस्टर मुख्तार मलिक जून 2022 में राजस्थान में गैंगवार में मारा गया था। घायल अवस्था में जंगल में भटकते भटकते उसने दम तोड़ दिया। उस पर 58 केस दर्ज थे। पिपलानी पुलिस के मुताबिक रत्नागिरी पिपलानी निवासी 20 वर्षीय सिद्धार्थ भूषण TIT कॉलेज में बीटेक का छात्र है। बीते गुरुवार को कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन कॉलेज में सेलिब्रिटी अरबाज खान का कार्यक्रम था। अरबाज खान को देखने के लिए सिद्धार्थ कॉलेज पहुंचा था। दोपहर 2 बजे वह कॉलेज के गेट पर था, तभी कॉलेज में पढ़ने वाला यासीन मलिक पिता मुख्तार मलिक अपने साथ ही यश खरे के साथ आया। दोनों सिद्धार्थ को गाली देने लगे। उनके हाथ में डंडे थे। उनसे बचने के लिए सिद्धार्थ ने कोक्ता की ओर दौड़ लगा दी। यह देख यासीन और यश ने उसे पकड़ लिया, डंडे से उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने सिद्धार्थ को जबरदस्ती I-20 कार में बैठाया और मारपीट करने लगे। यासीन बार बार अपनी जेब में हाथ डालकर बोल रहा था कि ज्यादा चिल्लाएगा तो जान से मार दूंगा। इसके बाद मारते हुए सिद्धार्थ को पुराने शहर ले गया। शाम करीब 5 बजे रत्नागिरी चौराहे पर फेंक दिया। पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कॉलेज छात्रों का विवाद यही नहीं थमा था। इसी कॉलेज में BCOM में पढ़ने वाली छात्रा ने पुलिस को बताया था कि मैं हथाईखेड़ा डैम के रेस्टोरेंट पर यासीन मलिक और यश खरे के साथ बैठी थी, तभी सिद्धार्थ भूषण आया। वह गुस्से में था, गालियां देने लगा, कहने लगा कि अभी तू दोस्तों के साथ बैठी है, कभी अकेले में मिली तो जान से मार दूंगा। इस पर पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। कल्पना नगर निवासी अभिषेक तिवारी इसी कॉलेज में BTech का छात्र है। उसने पुलिस को बताया कि यासीन मलिक और यश खरे ने उसके साथ कैंटीन के बाहर मारपीट की थी। गुरुवार को वह कैंटीन में बैठा था, तभी कुछ लड़के बगल से निकले। इस दौरान एक लड़के का हाथ उससे टकरा गया। इसके बाद वह कैंटीन के बाहर चला गया। यासीन और यश ने बेल्ट और हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। अभिषेक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।